वैशाख महात्म्य 11वां अध्याय। राजा मैथिली ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गए तो फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुतिदेव कहने लगे कि यह कथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की है जो यश और पुण्य देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म होता देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के पश्चात उसकी मूर्छा गई तो अत्यंत विलाप करने लगी जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिंता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और अपने पति को मित्र बसंत को प्रति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब तक वह चिता बना रही थी बसंत भी वहाँ आ गया। वह रति को देख अति दुखित हो रति को समझाने लगा कि कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं तथा धर्म की विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने को विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो, तुम्हारा पति काम महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तो ब्रह्मा के श्राप से संबर नाम राक्षस के घर में निवास करेगी, वहीं तेरे पति प्रद्युम्न तुझको प्राप्त होंगे। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर जिनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था उन सब देवता ने बृहस्पति इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि अब से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था, उस जन्म में भी तुम इनकी पत्नी थी, परंतु रज शंकर कारिणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नाम की नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से अक्षुण्य शयन नाम का व्रत करने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएंगे। रति के इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अक्षुण्य शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई दिया और उसने वैशाख मास में कर्तव्य नहीं किया था, उसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। श्रुतिदेव कहने लगी, जब महादेव जी पार्वती के सामने खड़े हुए अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल ने उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती से शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने ही मन में यही ठान लिया कि शिव जी ही मेरे पति होंगे। और वह अपने पिता के समझाने पर भी कुछ विचार कर श्री शिव जी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उसके सिर पर हो गई और इस प्रकार 1000 वर्ष शिव जी की आराधना करती रही। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनकी पुण्यकुटी में आकर उनको अचल भक्ति देख कर कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में है वो वरदान मांगो। तो पार्वती कहने लगे कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हों। तथा कहकर शिवजी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव करो। सातों ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाशमार्ग में हिमाचल के घर में पहुंचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि के सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्षिण की कन्या सती थी जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपना प्राण त्याग दिए थे। उनका पालन ग्रहण करने के योग्य शिव के सिवाय और कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह शिव जी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिवजी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी के जाकर कह दें कि मैं प्रीतिपूर्वक अपनी कन्या को उनको अर्पण कर चुका, आप उसको अंगीकार कीजिए। फिर हिमाचल कन्या के विवाह के प्रबंध के लिए सोचने लगे। उधर सब तरह से श्री महादेव जी के पास पहुँचे और विवाह निश्चित करके चले गए। इसके पश्चात निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियों और विष्णु आदि सब देवताओं के विवाह महोत्सव देखने बारात के संग चले। श्री महादेव जी बैल पर आरूढ़ होकर चारों ओर भूतगणों से सेवित शंख भेरी मृदंग आदि बाजों के शब्द के साथ तथा बंदी जनों के समूह सहित ऋषिगणों की वेद ध्वनि में हिमाचल के घर में प्रवेश किया और सुंदर शुभ मुहूर्त लग्न तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमाचल ने अपनी कन्या श्री पार्वती जी का विवाह श्री महादेव जी से कर दिया। महोत्सव के पूर्ण होने पर श्री शिवजी लौकिक धर्म का पालन करने लगे। संपूर्ण रिद्धि और सिद्धियों से युक्त इंद्र के भवन के समान हिमालय के शिखर पर नंदिनी के तीर पर वन के बीच में जहाँ भौरे गूंजते हैं, पक्षी अपना सुंदर शब्द करते हैं, पार्वती जी के साथ दिव्य 1000 वर्ष तक रमण करते रहे।